बच्चों नेक्स्ट इज रिएक्शन टाइम। एक छोटी सी टर्म है, कुछ सवाल करने काम आ सकती है, मतलब किसी किसी सवाल में लिखा हुआ आ सकता है कि रिएक्शन टाइम ये है वो है, तो मैं एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि रिएक्शन टाइम है क्या। ऐसे कुछ बुक्स में रिएक्शन टाइम के सवाल हैं, तो हमें भी एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि रिएक्शन टाइम क्या है। सवाल तो बन ही जाएगा। किसी चीज को, किसी इवेंट को ऑब्जर्व करना, फिर मन में, दिमाग में एनालाइज करना और फिर रिएक्ट करना। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो टाइम लगता है, दैट एंटायर टाइम इज नोन एज रिएक्शन टाइम। लेट मी राइट इट डाउन। इट इज टाइम इंटरवल टू ऑब्जर्व एनालाइज एंड रिएक्ट। किसी इवेंट को देखने, उसको एनालाइज करने और फाइनली उस इवेंट पर रिएक्ट करने में जो समय लगता है, दिस एंटायर टाइम इंटरवल इज नोन एज रिएक्शन टाइम। जैसे मान लीजिए कि हम बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते चलाते हमने देखा कि यार सड़क पर कोई भैंस आ गई है, बहुत बड़ी सी भैंस आ गई है। अब उस भैंस को देखने और मन में एनालाइज करना कि यार भैंस आ गई है, टक्कर हो सकती है, टक्कर से बचने के लिए मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, और फिर ये सोचने के बाद ब्रेक लगाना, मतलब देखना, एनालाइज करना और फिर फाइनली ब्रेक लगाना, इस बीच में हल्का सा एक टाइम इंटरवल होता है। दैट छोटा सा टाइम इंटरवल इज नोन एज योर रिएक्शन टाइम। किसी इंसान का रिएक्शन टाइम कम हो सकता है, किसी इंसान का ज्यादा हो सकता है। किसी इंसान का तो रिएक्शन टाइम कम है, इसका मतलब वो बहुत जल्दी से, फटाफट से देखता है, एनालाइज करता है और ऑफकोर्स ब्रेक लगा लेता है और मतलब रिएक्ट कर लेता है। उसका रिएक्शन टाइम थोड़ा छोटा है, वो थोड़ा शार्प है, वो इंसान थोड़ा सा बाकी लोगों के मुकाबले शार्प है। कोई हो सकता है कि बहुत ढीला हो, कि ओ हो भैंस आ गई, अच्छा 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 क्या करना चाहिए, ओहो ब्रेक लगाना चाहिए, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो टक्कर हो जाएगी। यूँ सोचते सोचते फिर तो देखता रहे ब्रेक कहाँ है, ब्रेक कहाँ, फिर बड़ी मुश्किल से उसने ब्रेक लगाया। तो इसका रिएक्शन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मेरे कहने का अर्थ तुम समझ गए होंगे बेटा, इसका मतलब ये होगा कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, फिर मन ही मन उस इवेंट के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में सोचना और फाइनली उस इवेंट के प्रति रिएक्ट करना, इस पूरे टाइम इंटरवल को हम रिएक्शन टाइम कह सकते हैं। इंसान जितना शार्प होगा उसका रिएक्शन टाइम उतना ही छोटा होगा, इंसान थोड़ा डंब होगा तो ऑफकोर्स उसका रिएक्शन टाइम थोड़ा सा ज्यादा होगा। सो आई रियली होप कि तुम समझ गए होंगे इस बात को। आप भी सोच रहे होंगे सर फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते कैसी बातें करने लगे। बेटा फिजिक्स में कुछ सवालों में रिएक्शन टाइम काम आता है, इसलिए बता रहा हूँ। जैसे HCV वर्क के अंदर भी है ना, एक दो सवाल रिएक्शन टाइम के हैं, कुछ और बुक्स में भी रिएक्शन टाइम के सवाल हैं, तो मैं एग्जैक्टली पता होना चाहिए यार, है ना। तो चलिए बेटा मैं एक सवाल कराता हूँ। ए बाइकर हैज रिएक्शन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड। बेटा कोई बाइकर है, उसका रिएक्शन टाइम 0.5 सेकेंड है और वो बाइक चला रहा है, ठीक। ही इज राइडिंग ए बाइक विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 72 किलोमीटर्स पर आवर। 72 किलोमीटर्स पर आवर की कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार जाया जा रहा है। अब क्या करता है कि उसे रास्ते में कोई हिंड्रेंस नजर आती है, कोई रुकावट नजर आती है। मान लेते हैं कि कोई बड़ा, मान लो जैसे मैंने कहा कि रास्ते में कोई एनिमल दिख गया या स्पीड ब्रेकर दिख गया, तो उस हिंड्रेंस को देखकर वो ब्रेक लगाता है। लेकिन तुम इस बात को समझ गए होगे कि देखने में और ब्रेक लगाने के बीच में भी एक समय होगा, और उस समय को, उस टाइम इंटरवल को हम क्या बोल चुके हैं, रिएक्शन टाइम, ठीक है ना। एट ए टाइम ही ऑब्जर्व्स एन ऑब्स्टेकल इन द पाथ, एंड अप्लाइज ब्रेक। और बड़ा ब्रेक लगाता है, ठीक है। ब्रेक से रिटार्डेशन आती है, ऑफ कोर्स ब्रेक्स प्रोवाइड
रिटार्डेशन ऑफ 5 meter per second square. रिटार्डेशन है 5 meter per second square का, और रिटार्डेशन का अर्थ तुम समझ होंगे कि वेलोसिटी अगर आगे है तो एक्सेलरेशन पीछे, ठीक। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बाइक आफ्टर द ऑब्जर्वर, सॉरी ऑब्जर्वर नहीं बेटा, बाइकर ही लिखते थे, आफ्टर द बाइकर ऑब्जर्व्स द ऑब्स्टेकल। बेटा ऑब्स्टेकल मतलब कोई रुकावट। उस बाइकर ने जब रुकावट देखी उसके बाद तक बाइक ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, हमें ये पता करना है। चलिए सोचते हैं इस पूरे सिचुएशन को, हम बड़े आराम से इस पूरी कहानी को सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बेटा, ये टी इज इक्वल्स टू आपका जीरो है, यहां पर बाइकर जा रहा है सामने की तरफ और स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। मेरे ख्याल से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की मुझे जरूरत नहीं है, आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका मतलब बेटा बाइक की जो वेलोसिटी है वो है 20 meter per second। अब इस इंस्टेंट पर t इज इक्वल टू जीरो पर उसने ऑब्स्टेकल देखा, कोई रुकावट देखी, जैसे मैंने कहा बेटा सड़क पे कोई, हो सकता है कोई एनिमल देखा हो, हो सकता है बेटा कोई स्पीड ब्रेकर देखा हो। तो इस टाइम पर उसने देखा है, अभी तक ब्रेक नहीं लगाया, देखने में और ब्रेक लगने में हल्का सा टाइम इंटरवल है, और उस टाइम इंटरवल को मेरे बच्चे क्या बोलेंगे कि सर तो रिएक्शन टाइम है अपना। तो इसका मतलब अभी ब्रेक लगने में थोड़ा सा टाइम है, ब्रेक लगेगा थोड़ी देर बाद, ब्रेक लगेगा थोड़ी देर बाद, और डेल्टा टी है 0.5 सेकेंड। अब बाइक की वेलोसिटी तो है बेटा 20, और अब उसने ब्रेक लगाया है। सर ब्रेक अब क्यों नहीं लगाया बेटा, अब तो देखा उसने, देखने में और ब्रेक लगाने के बीच में हल्का सा टाइम इंटरवल तो होता ही है, उस टाइम इंटरवल को हम जानते हैं 0.5 सेकेंड है। तब तक बेटा ये बाइक 20 मीटर पर सेकेंड से ही चलती रहेगी, और अब ब्रेक लगा, और ब्रेक लगा तो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन आया, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 5 meter per second square। मेरे बच्चे बोले कि सर एक्सेलरेशन मत बोलो, सर रिटार्डेशन बोलो, एक ही बात है बेटा। वैसे तो रिटार्डेशन ज्यादा अच्छा वर्ड है, बट एक्सेलरेशन बोलना भी कोई बुरी बात नहीं है। अब वेलोसिटी आगे है, एक्सेलरेशन पीछे है, ब्रेक लगा रखा है, वेलोसिटी आगे एक्सेलरेशन पीछे, लगातार स्पीड घटेगी 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 घटेगी, कहीं ना कहीं जाकर मेरे बच्चे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। बस ब्रेक लग गया और गाड़ी रुक गई, ब्रेक लगने से गाड़ी पीछे नहीं आएगी, मतलब ये जो रिटार्डेशन है ये सिर्फ और सिर्फ तब तक की है जब तक बाइक रुक जाए, रुकने के बाद ऐसा नहीं कि ब्रेक लगा रखता तो गाड़ी वापस जाएगी, वो तो वही रहेगा। तो अब सुनना इस बात को, t इज इक्वल टू जीरो पर उसने ऑब्स्टेकल को देखा, लेकिन अब ब्रेक लगाने के बीच में हल्का सा टाइम इंटरवल है, वो टाइम इंटरवल है 0.5 सेकंड। उस 0.5 सेकंड के अंदर बाइक थोड़ी सी आगे चल लेगी, अब उसने ब्रेक लगाया, वेलोसिटी आगे है एक्सेलरेशन पीछे, लगातार स्पीड घटेगी 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 घटेगी, कहीं ना कहीं जाकर बाइक की वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। अब बाइक रुक गई है, अब ब्रेक लगाने से ऐसा नहीं कि पलट कर वापस आएगी, वहीं रहेगी। मुझसे पूछा है कि जब आपने ऑब्स्टेकल को देखा तब से लेकर जब तक बाइक रुक जाती है तब तक की टोटल डिस्टेंस बताओ, बता देंगे ये टोटल डिस्टेंस पूछिए, बता देंगे। हालांकि हमारा आंसर बहुत आसान है, बट मैं हल्का सा आपको एनालाइज भी करना चाहता हूं। सुनना बेटा, वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, रिटार्डेशन है 5 meter per second square। रिटार्डेशन 5 meter per second square है, इस बात का मतलब यह है कि हर एक सेकेंड के अंदर 5 meter per second वेलोसिटी घटेगी। तो इसका मतलब यहां से एक सेकंड के बाद वेलोसिटी हो जाएगी 15, फिर एक सेकंड बाद हो जाएगी 10, फिर एक सेकंड बाद हो जाएगी 5, और फिर एक सेकंड बाद हो जाएगी 0। तो इसका मतलब ब्रेक लगाने के 4 सेकंड बाद आपके बाइक की वेलोसिटी 0, और शुरुआत से अगर देखें तो 4.5 सेकंड हो गए, जिसमें से पहले 0.5 सेकंड तक तो बाइक कॉन्स्टेंट स्पीड से गई, और बाद में ब्रेक लगाते 4 सेकंड में बाइक रुक गई। ये 4 सेकंड में जो बाइक रुकी है, आप ये v = u + at से भी निकाल सकते थे, मैंने बेटा हल्का सा फील कराने के चक्कर में इतना सब बोल दिया, आई होप इट चलेगा। मेरे बच्चे बोलेंगे सर मुद्दे पे आओ आंसर निकालो, निकालते बेटा ये डिस्टेंस तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर बहुत आसान है, कॉन्स्टेंट स्पीड से 0.5 सेकंड जा रहा है, तो 20 meter per second into 0.5 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, 10 मीटर आ गया। इसका मतलब ब्रेक लगने से पहले ही बाइक 10 मीटर चल लेगी, मतलब आपने देखा और ब्रेक लगाया, इतने में 10 मीटर तो बाइक चल ली।
अब बाइक और चलेगी। बेटा काश मैं ये वाला डिस्टेंस और निकाल पाऊँ। मेरे बच्चे बोले सर बहुत सारे तरीके हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एट ए स्क्वायर लगा सकते हो, एस इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ एट ए स्क्वायर लगा सकते हो, और भी है ना एस इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी वगैरह सब लगा सकते हो, लेकिन सब में यहाँ से तक टाइम चाहिए होगा। हालांकि मैं टाइम पता है कि 4 सेकंड आएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ऐसी इक्वेशन लगाऊँ जिसमें टाइम वाइम का यूज़ करें। कोई ऐसी इक्वेशन बताओ ना बेटा जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये रिलेट हो। आप और से जानते हो ऐसी इक्वेशन तो दैट इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू एस। लेकिन डायरेक्शंस का ध्यान रखो बेटा, इस साइड को हम प्लस बोलेंगे और इस साइड को हम माइनस, किसी भी एक साइड को प्लस और किसी भी साइड को माइनस तो बोलना ही था। चलो मेरे बच्चों मेरी हेल्प करो, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा व्हाट्स द फाइनल वेलोसिटी? जीरो। मेरे बच्चे व्हाट्स द इनिशियल वेलोसिटी? 20 का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स बेटा व्हाट इज एक्स, सॉरी बेटा इनिशियल वेलोसिटी इज 20 नॉट 20 का स्क्वायर। व्हाट इज एक्सेलरेशन? बेटा एक्सेलरेशन 5 नहीं लिखना है बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस 5 है, मतलब 5 माइनस 5 लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट एक्स है और x की वैल्यू आ गई है 20 × 20/2 × 5। बेटा ये 10 कैंसिल, मेरे ख्याल से ये आ गया 40 मीटर। लेकिन मेरे बच्चे जानते हैं कि आंसर 40 मीटर नहीं है। मेरे बच्चे बोलेंगे सर आंसर तो आपका 50 मीटर है, क्योंकि हमने ये पूछा था कि आपने ऑब्स्टेकल को देखा और बाइक रुकी तब तक कितने डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तो ऑफकोर्स बड़ा वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 10 मीटर ये और 40 मीटर ये, उसमें से पहली 10 मीटर तो ब्रेक लगने से पहले ट्रेवल कर चुके हो तुम, और 40 मीटर बड़ा ब्रेक करने के सॉरी ब्रेक लगाने के बाद। तो कोई मुझसे पूछेगा सर टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो आई वुड से बेटा दैट इज 10 + 40, द आंसर कम्स आउट टू बी 50 मीटर। आई नो दैट कि बेटा सवाल बहुत आसान था, मैंने इतना मन से इसलिए कराया क्योंकि मुझे तो आप लोगों को एक टर्म बतानी थी, कौन सी? रिएक्शन टाइम। या बेटा हो सकता है कभी फिर से देखो तो आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यार ये क्या आ गया, तो ये टर्म बताने के चक्कर में बेटा मैंने ये सवाल बताया। बाकी तो ठीक है बेटा, ये वाला सवाल आप खुद भी कर सकते थे, कोई इतना बहुत बड़ा इशू इसमें है नहीं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। ये मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है देखते बेटा, हेडिंग लिखी मेरे बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या अर्थ है, आराम से इत्मीनान से सुनिएगा। बात ऐसी बेटा कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ये अर्थ, अर्थ का रेडियस बेटा कैपिटल आर, अर्थ का मास कैपिटल एम, अर्थ की सरफेस के पास में अगर कोई पार्टिकल है, मैं पहले बोलता बेटा ये अर्थ की सरफेस के बहुत पास है बेटा, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ये नियर है। अगर अर्थ की सरफेस के आस पड़ोस में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हम कोई एयर रेजिस्टेंस कोई विस्कस फोर्स कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जो अर्थ है बेटा जी, ये जो हमारी अर्थ है, कई बच्चों को बड़ा पता भी होगा, ये अपने कोर की तरफ मतलब ये अपने एक तरह से सेंटर की तरफ ऐसे पुल करेगी, और जिस फोर्स से पुल करेगी दैट इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन यहां से तक के डिस्टेंस का स्क्वायर। अरे बेटा जी यहां से तक डिस्टेंस को मैं आर लिख सकता हूं, क्योंकि ये डिस्टेंस तो बेटा 6400 किलोमीटर होती है, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होती है, और ये बेटा पार्टिकल जो है सरफेस के नजदीक ही है, तो वो 6400 किलोमीटर के मुकाबले तो छोटी सी डिस्टेंस होगी, तो आप इसको आर लिख सकते हैं। अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है तो अंदर की तरफ कोई ना कोई एक्सलरेशन, मतलब नीचे की तरफ कोई एक्सलरेशन भी आना चाहिए। वैसे हम आज तक बेटा एक्सलरेशन ए लिखते आए थे, लेकिन ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए मैंने जानबूझ के से जी लिख दिया। एंड नेट फोर्स यू ऑल नो दैट दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन। मेरे बच्चे मास से मास कैंसिल हो गया और इस एक्सेलरेशन की बेटा वैल्यू आ गई है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अच्छी बात यह आई है कि इसमें स्मॉल एम नहीं आया, इसका मतलब आप चाहे किसी लाइट ऑब्जेक्ट को रिलीज करो चाहे आप किसी हैवियर ऑब्जेक्ट को रिलीज करो, अर्थ दोनों पर सेम एक्सेलरेशन लगाएगी नीचे की तरफ, अगर कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है तो।
ये बात गैलीलियो ने प्रैक्टिकली प्रूव भी की थी। ठीक है, हम मुद्दे पे आते हैं। इस जी की जो वैल्यू है, मेरे ख्याल से मेरे सारे बच्चों को पता ही है कि इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हर चीज को वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ खींचेगा और ये एक्सेलरेशन आएगा। पाई स्क्वायर की वैल्यू भी लगभग लगभग बेटा 9.8 ही आती है। 3.14 इंटू 3.14 करते हो तो रफली 9.8 ही आती है। तो पाई स्क्वायर भी आप कह सकते हो कि पाई स्क्वायर की वैल्यू भी रफली 9.8 के आसपास ही आती है। लेकिन हम हमारे मोस्टली सवालों के अंदर जी की जो वैल्यू है बेटा वो 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर यूज करेंगे। कैलकुलेशन आसान पड़ती है इसलिए हम बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करेंगे। कई बुक्स में तो हर सवाल में बेटा जी की वैल्यू 9.8 यूज कर रखी है, जैसे एच सी वी देख लो, है ना, एच सी वी के अंदर हर सवाल में लगभग लगभग बड़ा जी की वैल्यू 9.8 यूज कर रखी है। बाकी अच्छी बुक्स में सवाल में बोल देते हैं कि जी की वैल्यू 9.8 यूज करनी है या 10 यूज करनी है। जेई का कोई सवाल होगा तो वो क्लियरली स्टेट करेगा कि उसमें जी की वैल्यू आपको 9.8 लेनी है या 10 लेनी है। तो आपको कोई खास चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल चिल रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे चले, ये है हमारा एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन से हर पार्टिकल को अर्थ अपने सरफेस की तरफ खींचेगी और एक्सेलरेशन जो आएगा वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो चलिए बेटा अब हम मोशन को थोड़ा सा ओवर एनालाइज करते हैं, बढ़िया से बहुत सारी बातें देखते हैं, सोचते हैं और कोशिश करते हैं कि हम हर सिचुएशन का ग्राफ भी बनाएं। ग्राफ के लिए हल्की फुल्की मैथमेटिक्स आनी चाहिए जो आपको आती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। चलिए बेटा मैं भले ही इसे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ लेकिन बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, एक तरह से थ्योरी है यार। ठीक है, एग्जाम्पल तो मैंने ऐसे बोल दिया कि हाँ भाई थोड़ा एग्जाम्पल बोलने से इंटरेस्टिंग लगता है, बाकी तो कुछ है। ये बड़ा ग्राउंड, अर्थ की सरफेस, यहां से किसी एम मास के पार्टिकल को टी इज इक्वल्स टू जीरो पर रिलीज किया गया है। मैं रिलीज करने के बारे में एक बात बोलूंगा, सुनना इस बात को, ठीक है, हो सके तो नोट भी कर लेना। रिलीज करने का अर्थ यह है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो रिलीज करने वाले की है। सुन लेना इस बात, मैं फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रिलीज करते हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो रिलीज करने वाले की वेलोसिटी है। अक्सर सवालों में यह बता नहीं रखा होता है कि रिलीज किसने की है, तो मैं मान के चलते हैं कि रिलीज करने वाला रेस्ट पे, तो रिलीज करने वाला रेस्ट पे है तो जो ऑब्जेक्ट उसने रिलीज की है उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी शुरुआत में जीरो होगी। लेकिन अगर कल वो किसी ने बोल दिया कि सर एक हॉट एयर बलून है ऊपर की तरफ 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, उसके अंदर कोई बालक बैठा है, अपना हाथ बाहर निकालता है और बॉल को रिलीज करता है, कौन कर रहा है बॉल को रिलीज? वो बालक जो हॉट एयर बलून में बैठा है और जिसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 50 मीटर पर सेकंड है। तो बॉल आपके हाथ से छूटते ही बॉल की वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ 50 मीटर पर सेकंड ही होगी। अगर मान लो कि कल को हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई इस तरह की कहानी देखी कि कोई ट्रेन है बेटा सामने की तरफ जा रही है, उसी खिड़की में से हाथ बाहर निकालकर किसी बच्चे ने बॉल रिलीज की और जो ट्रेन है उसकी वेलोसिटी है सामने की तरफ 100 किलोमीटर पर आर। अब बॉल को रिलीज किया तो बताओ बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? बॉल की इनिशियल वेलोसिटी वही है जो रिलीज करने वाले की वेलोसिटी है। रिलीज करने वाले की वेलोसिटी इस तरफ 100 किलोमीटर पर आर, तो बॉल की वेलोसिटी भी सामने की तरफ 100 किलोमीटर पर आर। That's it. सर यहां पर रिलीज कर दिया लेकिन बता नहीं रखा किसने रिलीज किया। अगर बता नहीं रखा तो हम ये मान लेंगे, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि रिलीज करने वाला रेस्ट पे है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ये मैं बात अभी क्लियर कर देता हूं, बार बार ये बात मैं यूज भी करता रहूंगा तो आप मेरे को परेशान मत करना कि सर ये कैसे बोल दिया वो कैसे बोल दिया, आज ही बोल दिया मैंने सारा काम। ठीक है, आगे से ना कोई पंचायत होनी नीचे इस बारे में। तो टी इज इक्वल टू जीरो पर बेटा अपने किसी बॉल को रिलीज किया, ये बॉल जो है बेटा ये ग्राउंड से एच हाइट पर है, बेटा रिलीज किया है, इस बात का अर्थ ये हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। आप जानते हो कि बॉल पर पूरे रास्ते अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ जी 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 जी, ये लगातार इस पार्टिकल की स्पीड बढ़ाएगा 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 और इस पार्टिकल को अच्छी खासी वेलोसिटी से जमीन से टक्कर करवाएगा। ये वेलोसिटी मुझे पता नहीं है इसलिए मैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। अच्छी खासी वेलोसिटी से पार्टिकल जो जमीन से टकराएगा। सर जमीन से टकराने के बाद क्या होगा? मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे।
टकराने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस जमीन का कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, बड़ा इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इनलास्टिक कोलिजन है। अभी तक तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ना हमें चिंता करने की जरूरत है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ यहां से तक के मोशन में इंटरेस्ट है, उसके बाद क्या होता है मुझे एक बार के लिए उसमें इंटरेस्ट नहीं है। फेयर एनफ, अच्छी खासी वेलोसिटी से टक्कर होगी, बड़ा मुझे वेलोसिटी पता नहीं है तो मैंने इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया, t इज इक्वल्स टू जीरो पर रिलीज किया है और t इज इक्वल्स टू कैपिटल T पर टकराया है। जिस टाइम पर ये जमीन से टकराया है इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे, नाम से बड़ा आइडिया लग गया होगा कि कितनी देर तक बॉल हवा में है उस समय को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हैं। अभी तक सवाल वाल कुछ नहीं पूछा है, बातें कर रहे हैं बंदों की यार ये है ये ठीक। अब यार डायरेक्शन का और ध्यान रख लो, किसी एक साइड को प्लस बोल दो और किसी एक साइड को माइनस बोल दो, मर्जी है आपकी, आप चाहो तो ऊपर प्लस बोल सकते हो, आप चाहो तो नीचे प्लस बोल सकते हो, मर्जी है आपकी। यू नहीं कह सकते याद कर लो कि अच्छा सर ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मर्जी है आपकी। मैंने कहा बिल्कुल आपका आपका मन करे वो करो, मेरा मन कर रहा है कि मैं नीचे प्लस लिखूंगा और ऊपर माइनस लिखूंगा, नीचे की तरफ प्लस लूंगा और ऊपर की तरफ माइनस लूंगा। तो चलिए डा, हालांकि मुझे थ्योरी डेवलप करनी है बट मैं सोच रहा हूं कि इन सब चीजों को आपसे फॉर्मूले के टर्म्स में पूछता हूं, मजा आएगा अपन को। सबसे पहले फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, बेटा कितनी देर तक बॉल हवा में है या फिर बॉल को जमीन से टकराने में कितना समय लगेगा वो निकालो। फाइंड स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट इज स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, बेटा जब ग्राउंड को स्ट्राइक कर रही है उस टाइम बॉल की वेलोसिटी कितनी है, टकराने के बाद बेटा क्या मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता, आगे चलो। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल ली, स्पीड निकाल ली, आगे बेटा ग्राफ ही पूछूंगा आपसे, ग्राफ बाद में, ग्राफ बाद में बेटा, तो उसको चलिए बेटा करते हैं सॉल्व। सबसे पहले बेटा व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो, क्योंकि सर आपने बोल दिया कि रिलीज किया गया है और रिलीज करने वाले की आप इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे हो, तो सर मैं तो मानूंगा कि रिलीज करने वाला रेस्ट पे है तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, चलेगा ना, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो। आगे चलते हैं बेटा, व्हाट इज एक्सेलरेशन, बेटा एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जी, अर्थ तो पुल करेगी नीचे की तरफ जी, नीचे तो आपने प्लस ले रखा है तो एक्सेलरेशन मेरे बच्चे बोलेंगे सर प्लस जी, बिल्कुल सही बेटा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, और क्या पता आपको, आप बोलोगे सर यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट पता है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है h, नीचे आ रहा है कितना आ रहा है h, नीचे आ रहा तो प्लस h या माइनस h, आप बोलो सर नीचे आ रहा है नीचे की तरफ प्लस ले रहे तो डिस्प्लेसमेंट हम h लिख सकते हैं, और आपने मुझसे टाइम पूछ रखा है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पूछा है, सबसे बढ़िया इक्वेशन तेरे कौन सी पता है इन सबको रिलेट करने वाली, तुमको सर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो लगा दो बेटा दैट इज s इक्वल्स टू बेटा बोलना ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, व्हाट्स द डिस्प्लेसमेंट h, व्हाट्स द इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर, सोल्व करते टाइम की वैल्यू आ गई है रूट ऑफ 2h अपॉन g, अरे बेटा यही तो हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट, अच्छा रिजल्ट है, रिजल्ट है बेटा, ये तो चाहो तो याद कर सकते हो, आपके बहुत सारे सवाल इससे ऐसे बन जाएंगे, तुम्हारा आंसर आ गया t इज इक्वल टू रूट 2h अपॉन g, बढ़िया आंसर, क्या दिक्कत है, समझ गए मेरे बच्चों इस बात को। आगे चले, मेरे बच्चों को कहते हैं कि सर अगर आपने नीचे की तरफ माइनस लिया होता ऊपर की तरफ प्लस लिया होता तो सर आंसर लग आता है क्या, अरे आंसर लग क्यों आता, सेम आता, नीचे की तरफ तूने माइनस लिया होता तो डिस्प्लेसमेंट फिर तू एच नहीं लिखता, तो बोलता सर नीचे की तरफ एच है और नीचे की तरफ माइनस ले रहे तो माइनस एच लिखते, तो तुम एक्सेलरेशन भी तो नीचे की तरफ जी है और नीचे की तरफ तुम माइनस ले रहे होते तो एक्सेलरेशन भी तुम माइनस जी लेते, फिर तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी माइनस एच आता और एक्सेलरेशन माइनस जी आता, माइनस माइनस फिर से क्या होता कैंसिल, आंसर फिर से वही आता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा टाइम तो आ गया है। अब मुझसे पूछा गया है कि ये वाली वेलोसिटी बताओ कि यार
ये वाली वेलोसिटी बताओ कि टक्कर के वक्त वेलोसिटी कितनी है। अब मेरे बच्चे तो बिल्कुल हीरो बन गए होंगे कि सर अब तो निकाल दूंगा, ये वेलोसिटी निकालना तो बहुत आसान काम है, यहां से यहां तक इन एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पूछी है, टाइम पता है, तो सर सबसे बड़ा इक्वेशन तो v = u + at है। बड़ा बिल्कुल लगा दो, v = u + at। बड़ा बोलना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। एक्सेलरेशन कितना है? नीचे की तरफ जी, नीचे की तरफ प्लस है तो प्लस जी, इंटू वहां से यहां तक आने का टाइम, यहां पर वेलोसिटी पूछी है तो यहीं का टाइम लिखूंगा, और टाइम मेरे बच्चे निकाल चुके हैं, दैट इज रूट टू एच अपॉन जी। आई थिंक मेरे बच्चों वेलोसिटी कम्स आउट टू बी रूट टू जी एच। ये वेलोसिटी आ गई है, बढ़िया आंसर। कोई बच्चा कहते नहीं सर मजा नहीं आया, सर ये वेलोसिटी है ना आप है ना टाइम यूज करके कर रहे हो, अगर मान लो कि हमने पहला सवाल ना किया तो हमने टाइम निकाला ही ना होता, और बिना टाइम निकाले अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहता तो तब भी कर लेते हैं। बिना टाइम निकाले अगर ये वाली वेलोसिटी निकालनी होती तो बेटा तुम जानते हो बिना टाइम की कौन सी इक्वेशन होती है? हाँ सर बिल्कुल हम जानते हैं, इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू एस। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स, बेटा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है जी, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, बेटा डिस्प्लेसमेंट है एच। सॉल्व करते आ गया वी इज इक्वल टू रूट ऑफ टू जी एच, हालांकि v इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू जी एच आता, लेकिन हम माइनस को तो डिस्कार्ड कर देते हैं कि यार वेलोसिटी है तो नीचे ही, तो अपन तो प्लस ही बोलेंगे यार, है ना। बढ़िया आंसर बेटा, ठीक। मैं आपसे दो चार छोटी छोटी बातें और पूछ रहा हूं, जैसे मैंने कहा बेटा कि मुझे ग्राफ में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो मैं ग्राफ का सवाल पूछ रहा हूं आपसे, छोटे छोटे दो तीन ग्राफ पूछ लेता हूं, अपना काम बन जाएगा बेटा, ठीक है। पहले ड्रो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और लास्ट में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, बड़ा एस मतलब टी। हालांकि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम और डिस्टेंस ट्रेवल वर्सेस टाइम ग्राफ सेम ही आता, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, वो भी विदाउट टर्निंग बैक, तो बड़ा सेम ही आएगा, है कि करेक्ट। सबसे पहले बड़ा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ये बड़ा एक्सेलरेशन, ये टाइम, पूरे रास्ते एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ जी, नीचे की तरफ प्लस ले रहे हो तो मेरे बच्चे वहां से प्लस जी दिखाओ, ले बेटा पूरे रास्ते एक्सेलरेशन है प्लस जी, कब से कब तक? गिरने से लेकर, सॉरी छोड़ने से लेकर टकराने तक, टकराने तक मेरे बच्चों टाइम कितना हो गया? रूट टू एच अपॉन जी। फेयर इनफ। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं कि बड़ा एक बार ये वाला एरिया निकालना, ये वाला एरिया बताना कितना है। एरिया बेटा वैसे इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है, तो आप इसको इंटीग्रेशन एडीडी भी कह सकते हो, लेकिन निकालो उसे लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ है जी, लेंथ है रूट टू एच अपॉन जी, तो मेरे पास ही आ गया रूट टू जी एच। इस एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया रूट टू जी एच है, और इस पार्टिकल की जब टकराता है उस टाइम पर वेलोसिटी भी रूट टू जी एच है। ये कोई कॉन्सिडेंस है या ऐसे कोई कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता चुका हूं? तो आप बोले सर कॉन्सेप्ट है हमारा, बता चुके हो आप, बता चुके हो कि एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का जो एरिया है ये हमेशा हमें चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, इट इज ऑलवेज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी आपकी रूट टू जी एच। बड़ा वो रखिए वाली बात, आगे चले। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, भाई एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट था तो बनाना आसान था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आप बनाना चाहो तो पहले वेलोसिटी और टाइम में कोई फंक्शन लिख लो, तुमको सर बिल्कुल बड़े आसानी से लिख देंगे। फंक्शन इस तरह से जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बड़ा सही तो लिखा ना, u तो बड़ा जीरो, एक्सेलरेशन जी, तो मेरे पास आ गया v इज इक्वल टू जी टी। बड़ा v पर पावर वन है, t पर पावर वन है, इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप जी। तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, अगर कोई मुझसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पूछता है तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो हम कह सकते हैं कि स्लोप की वैल्यू टेंट टाइप इक्वल्स टू जी है, और ये जो टाइम है
ये टाइम है रूट टू एच अपॉन जी, और जब टाइम रूट टू एच अपॉन जी हुआ है उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी हुई है? बेटा उस टाइम पर वेलोसिटी, मेरे बच्चे बोल रहे हैं सर उस टाइम पर वेलोसिटी हुई है रूट टू जी एच। बढ़िया काम है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ तो बेस्ट होता है, बेस्ट। आगे जाके हम कोई ग्राफ के सवाल करेंगे ना तब भी इस बात को देख लेंगे, सबसे बेस्ट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन एक्सेलरेशन की भी है और डिस्प्लेसमेंट की भी। मैं दिखाता हूं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है टेन थीटा, ये आपको हमेशा एक्सेलरेशन देगा। चेक कर लो बेटा, क्या टेन थीटा एक्सेलरेशन दे रहा है क्या? अब हाँ सर, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, करके देखना चाहो बेटा, वापस जी आएगा, जी आएगा बिल्कुल। और तो और उसका एरिया जो है ना, एक बार निकाल के देखना बेटा एरिया क्या आएगा। मैं बेटा ये पॉइंट आपको लिखा चुका हूं, आपको वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ दिखा रहा हूं कि अपन ने तो लिखा हुआ सही है। मैं आपसे कहूं बेटा ये वाला एरिया निकालना, तो बेटा मेरे ख्याल से एरिया आएगा हाफ इंटू बेस, बेटा बेस आएगा रूट टू एच अपॉन जी इंटू हाइट, बेटा हाइट इज रूट टू जी एच। मेरे बच्चे टू से बेटा ये रूट टू कैंसिल, जी से बेटा जी कैंसिल, रूट एच इंटू रूट एच, बेटा रूट एच इंटू रूट एच इज इक्वल टू एच। यार वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया एच आया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के बराबर आया है। ये कोई कोइंसिडेंस है या कॉन्सेप्ट है? आप बोलो सर कॉन्सेप्ट है, लिख रखा है अपन ने तो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमेशा हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। आई होप इट्स ओके बेटा, एक छोटा सा काम और बच गया, मुझे कौन सा ग्राफ बनाना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अच्छा बेटा एक बात और, जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है वही आपका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज हमारा क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। पहले डिस्प्लेसमेंट लिख लो भाई, एस और टी में अगर ग्राफ चाहिए तो पहले एस और टी के अंदर इक्वेशन लिख लो। आप बोलो सर वेरी इजी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर। सही तो लिखा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जी है, मेरे पास आ गया एस इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। एस पर पावर वन है, टी पर पावर टू है, इट्स एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और टी स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव है, तो पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ, और टी इज इक्वल टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए, तो ओरिजिन से पास होता हुआ, तो ऐसा सब पैराबोला होना चाहिए। मैंने बेटा वो लेफ्ट साइड वाले को डॉट डॉट इसलिए कर दिया बिकॉज वी नो दैट कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो सिर्फ और सिर्फ ये दिखा दिया मैंने। और तो और बेटा, जब टाइम की वैल्यू रूट टू एच अपॉन जी होगी उस टाइम पर मेरे बच्चों आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एच। एक बात और, मैं आपको लिखा चुका हूं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा। देखो दे रहा है, देखना दे रहा है, पहले स्लोप कम है, फिर ज्यादा है, फिर ज्यादा है, फिर ज्यादा है, फिर ज्यादा है। क्या सचमुच में टाइम बढ़ने पर वेलोसिटी बढ़ती है क्या? यस, टाइम बढ़ने पर वेलोसिटी बढ़ रही है, इसीलिए तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का लगातार स्लोप भी तो बढ़ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वही आपको वेलोसिटी भी देता है। आई होप इट्स ओके। आगे चलिए बेटा,